गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में ईवन एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। हम इस लेक्चर में ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिसमें हमारा किसी भी मोलिक्यूल से दो सब्सटिट्यूएंट एक साथ एक ही स्टेप में एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, जिसमें ई जो है, आपको जैसे पता है कि ई स्टैंड फॉर एलिमिनेशन एंड टू स्टैंड फॉर बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, बिकॉज इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटिट्यूएंट्स, दैट इज द अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफिलिक बेस। मतलब इसमें जो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा अल्काइल हैलाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक बेस है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक बेस। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतने ही ज़्यादा हमारी रेट ऑफ ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कितने स्टेप की रिएक्शन होती है। दोस्तों, ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन ये हमारी वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जिसमें कि हमारा डीहाइड्रोजिनेशन एंड डीहैलोजिनेशन ये हमारा सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन की मेजर रिक्वायरमेंट क्या है? ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन की मेजर रिक्वायरमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस की अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी। और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज़ कर सकते हैं ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए? जैसे कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एमाइड या एमोनिया। ठीक है, बिकॉज ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये हमारे हाइड्रोजन को, वीकली एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने में सहायता करेंगे। जितने ज़्यादा हमारा वीक बेस, जितना ज़्यादा हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा और उतने ही ईजिली हमारा जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिमूव कर सकता है मॉलिक्यूल से, जिससे कि जिस रिमूव होने के बाद जो हमें एक अपना जो एंड प्रोडक्ट है जो कि हमारा एल्कीन है वो हमें मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन कि ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है। ये जो सिंगल स्टेप में डी प्रोटोनेशन हो रहा है और डी हैलोजिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो जैसे कि आपको एक बता दें कि ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है, तो जिस कार्बन एटम पे हैलाइड ग्रुप अटैच होता है उसके जो नेक्स्ट कार्बन एटम होगा हमें डी प्रोटोनेशन वहीं से करना है। मतलब कि हमें उस कार्बन एटम से हमें हैलोजन ग्रुप रिमूव करेंगे जो कि हैलाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम के जस्ट नेक्स्ट होगा। उससे क्या होगा कि जब हमारा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो हमारा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में शेयर किया हुआ है, जब हम डीप्रोटोनेशन करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कहाँ हो जाएगा? वो कार्बन और हैलाइड ग्रुप के बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हैलाइड ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन या ऐसे बोले कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे डीहैलोजिनेशन, जिसकी वजह से डीहैलोजिनेशन होगा। मतलब हैलोजन अलग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जो हमारा प्रोटॉन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर कार्बन पे क्या हुआ कि हमारे पास जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए वो जो कार्बन है वहाँ पर वो डबल बॉन्ड बना लेगा प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट में। तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन एंड हैलाइड आयन इज रिफर्ड टू एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, ये आप देखिएगा, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का जो OH है, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक बेस है OH माइनस, ये किस पे अटैक कर रहा है? वो उस हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है जो हैलाइड कंटेनिंग कार्बन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर है। ठीक है, ये जो हमारा 2-bromobutane है इसमें हैलाइड जो स्ट्रॉन्ग बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ अटैक कर रहा है? वो हमारा उस हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है जो हमारा ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन है या हैलाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है उसके जस्ट नेक्स्ट है। ठीक है, जो हमारा बेस हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा अल्कोहलिक QH है और ये फास्ट रिएक्शन है, ये भी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जब ये हमारा बेस जब ये अटैक कर रहा है, तो ये अटैक करने के बाद क्या हुआ कि इसने यहाँ से ये प्रोटॉन हटा लिया। ठीक, ये प्रोटॉन हटाने के बाद क्या हुआ कि उस कार्बन पे जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखा था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वो उस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा जो कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप के बीच में है। ठीक है,
उससे क्या होगा कि जो हमारा ब्रोमीन है या जो हैलाइड ग्रुप है वो अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है, मतलब डीहैलोजनेशन हो जाएगा। तो उससे क्या स्थिति होगी कि उसके बाद जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन पर आया था, ठीक है, वो क्या करेगा, वो हमारा डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बनाने से दो तरह के से बनाएगा, एक डबल बॉन्ड वो बनेगा जो हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा और एक दूसरा होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा, जिसको हम 1-ब्यूटीन के फॉर्म में मिलेगा वो 20% होगा। और दूसरा जो हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा जो ट्यू ब्यूटीन इन द फॉर्म ऑफ ट्यू ब्यूटीन है, जो 80% कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगा वो हमारा सेडजेफ प्रोडक्ट कहलाएगा, जिसको हम, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा सिस और ट्रांस आइसोमर के फॉर्म में फॉर्म होगा। मतलब ये जो हमारा टू ब्यूटीन मिलेगा ये हमारा सिस और ट्रांस आइसोमर की तरह रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो अब जो सेडजेफ प्रोडक्ट है, सेडजेफ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सेडजेफ प्रोडक्ट सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। इसको हम दूसरे नाम से भी बोला जाता है जेडजेफ प्रोडक्ट या जेडजेफ रूल। तो इस रूल के, ये रूल क्या कहता है कि हमारा यदि एक अल्किन फॉर्मेशन के दौरान हम, ठीक है, जब हम अल्किन फॉर्मेशन हो रहा है तो जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड द मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो बनेगा वो वही हमारा एल्किन होगा और वही प्रेफरेंशियल प्रोडक्ट होगा एंड वही सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे होफमान प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा और लेस कॉन्सेंट्रेशन में बनेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा इसमें है द कार्बन बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन इज द अल्फा कार्बन एटम, मतलब जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा उसको हम अल्फा कार्बन एटम बोलेंगे, एंड जिस कार्बन एटम पे जो कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम के नेक्स्ट होगा उसको हम बीटा कार्बन एटम बोलेंगे। उसी तरह अल्फा कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, और जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन एटम से अटैच होगा उसको हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, जो प्रोटोन का हमारा रिमूवल है फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम से क्योंकि रिमूव हो रहा है, तो इस E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यदि आपके पेपर में आता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन तब आपको E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में लिखना है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सिमिलर थिंग्स, एक ही चीज़ है।